नवी मुंबई तुर्भे MIDC क्षेत्र में 27 फरवरी को दोपहर में लगी भीषण आग में 2 मजदूरों की मौत। नवी मुंबई के तुर्भे MIDC के फन गेटवे खिलौना बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। तभी उन्हें पता चला कि कंपनी में 5 मजदूर फंसे हुए हैं। उन 5 मजदूरों में से 3 मजदूरों को फायर ब्रिगेड के जवानों ने बाहर निकालकर NMC हॉस्पिटल में भेज दिया, मगर 2 मजदूरों की कंपनी के आग की चपेट में ही मौत हो गई। इस बारे में अधिक जानकारी तुर्भे MIDC फायर ब्रिगेड अधिकारी संतोष पाटिल ने दी है। आग ये 11 बजे लगी है, 11-11:15 बजे आकार लगी है। तो वैसा ही फोन रबाड़े अग्निशमन केंद्र को मिला, खबर मिली, वैसे ही हम करनाउट लेके यहाँ पे आए। और कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी? टोटल यहाँ पे 8 गाड़ियाँ थी। मेरी नेहरू फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ, रबाले से 2 गाड़ियाँ, एक TTL लाया था रेस्क्यू के लिए, और नवी मुंबई को ऊपर घेरने से 2 गाड़ियाँ आई थी। और सिडको का भी गाड़ी आया था हेल्प के लिए। किस चीज़ की कंपनी थी ये? कंपनी जो है जो गेमिंग ये टॉयज बनाती है, तो उसमें अंगार लगा था। केमिकल वगैरह कोई नहीं था ऐसा, लेकिन अंगार इतना तुरंत पकड़ लिया कि तो कितने लोग यहाँ पे अटके थे ऐसे कुछ? अबे कंपनी में तो कुछ टेरेस पे 3 लोग थे, तो हमने तुरंत TTL निकालने से पहले हम लैडर लगा के 3 लोगों को तुरंत बाहर निकाला। और उसके बाद उनसे पता चला कि 2 आदमी ऊपर फंसे हुए, तो पूरा ब्रांटो लगा के सर्च किया और ऊपर टेरेस में कोई नहीं था। तो अभी कूलिंग ऑपरेशन के बाद जो सर्चिंग किया तो उसमें पता चला कि बाथरूम में 2 कैजुअल्टी। हाँ, टोटल कितने कर्मचारी यहाँ पे काम करते थे? वो उसका कोई अंदाजा अभी तक मिला नहीं। अभी तक जो दो जो मैयत इसमें उनका नाम वगैरह कुछ पता चला नहीं है? आग किस कारण लगी थी कुछ अंदाज? कुछ नहीं पता है। दोनों को हॉस्पिटल लेके गए, सिविल हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बाकी जो 3 लोग को बचाया गया तो उनको भी हॉस्पिटलाइज किया है। कौन से हॉस्पिटल में? वो अभी तक उसका डिटेल्स नहीं है, पुलिस वालों को शायद मालूम है कौन सा हॉस्पिटल। अभी मेरा पुलिस आवाज टुडे पंकज विनोद सिंह की रिपोर्ट, नवी मुंबई।